गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वेलकम सर। टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वी आर लर्निंग साइकोटिक मेंटल्स, चैप्टर नंबर 17। यस्टरडे we have seen the psychotic mentals, psychotic excess and psychotic less. There are two types of psychosis. So psychotic excess we are learning. So हमने बहुत से psychotic excess के expressions, किस तरह से होते हैं, किस तरह से mind express करता है, किस तरह से mind symptoms देगा, characteristics सिम्टम्स देगा। सो बहुत सारे जो एक्सेस में होते हैं, दैट मीन्स एग्जागरेटेड फॉर्म ऑफ इमोशंस, डिस्पोजिशंस एंड रिएक्शंस, लाइक कवर्डाइज, फ्रेजिलिटी, फियर्स, हाइडिंग, कवर अप, प्रोजेक्शंस, फसाड, थिक स्किन पर्संस, देन होर्डिंग, एक्युमुलेशंस ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, ट्रेजरर्स, शोमैनशिप, कनिंगनेस, स्लाइनेस, श्रूनेस, मैन्युपरिंग, पॉलिटिकल शेमलेसनेस, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेसनेस एटसेट्रा। दीज आर द साइकोटिक मेंटेलिटीज एंड मेनी ऑफ द सिम्टम्स आर साइकोसिस एक्सेस। सो फर्स्ट फेज ऑफ साइकोटिक एक्सेस। Now, today, we will see the will, how will will be in excess psychosis. कल हमने ओवर एक्सप्रेसिवनेस देखा था। जो ओवर एक्सप्रेसिव पर्सन होते हैं वो लाइक कॉम्युनिकेटिव एक्सपांसिव, एक्स्ट्रावैगेंट, देन एक्सपांसिव, लोकेशियस, they will exaggerate each and every symptom of the body, each and every complaint in exaggerated form. Always they will tell in exaggerated form. Yes, so this is vivaciousness again. Vivaciousness, it is a excess psychosis or over expressiveness. Then eloquentness. So these are all form of over excessiveness or excess psychosis. Now today we will see the will, how will be in excess psychosis. So though psychosis itself is a base on cowardice and fear of death, the ideal psychotic excess personality shall project himself as a dictator. Yes, the dominance is more pronounced where there is less resistance or opposition. Hard on inferior and soft with superiors is an ideal quality of psychosis excess. Yes, hard on inferior, soft with superiors, it is the quality of excess psychosis. These individuals can rule in a home. Yes, this quality of persons will boss in his home, but जैसे ही अपने गले में निकलते हैं, अपने एरिया में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, आउटसाइड जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं, they become meek and mild. बाहर जाएंगे एकदम timid. बहुत से parents complain करते हैं, हमारा बच्चा बाहर जब जाता है ना तो सब लोग इसे अच्छा बोलते हैं कि कितना silent, mild आपका बेटा है, और घर में पूरा शैतान, इसकी ही सुनना पड़ता है, सबको डांटता है, सबको मारता है। दिस इज द हार्ड ऑन इंफीरियर एंड सॉफ्ट विद सुपीरियर, क्योंकि घर के लोग, सब लोग उसे इंफीरियर लगते हैं। दैट इज द डोमिनेटिंग क्वालिटी। सो इंडिविजुअल्स कैन रूल इन अ होम और डोमिनेट इन द ऑफिस बाय ओनली सब ऑर्डिनेट्स। जो छोटे हैं उन पे बॉसिंग और जो बड़े हैं उनसे
डर के रहना. दे आर मीक इन फ्रंट ऑफ बॉस. चिल्ड्रेन हु आर डिफाइंड एंड ऑब्स्टिनेट एंड थ्रो टेंट्रम इन फ्रंट ऑफ अदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स बट बिकम वेरी टिमिड व्हेन फादर रिटर्न्स होम. यस, तो मोस्टली दिस इज कॉमन कि बहुत से बच्चे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बॉसिंग करते हैं और मम्मी या फिर पापा के पापा से बहुत डरेंगे. यस, क्योंकि ये लोग इनकी बहुत सुनते हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा करते हैं, इसलिए उनपे वो बॉसिंग करते हैं. तो हमें यहाँ ये सिम्टम, ये रूब्रिक लेने के पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि ये जो बॉसिंग करता है दादा दादी या नाना नानी पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, तो ये क्यों करता है? रियली ही इज कवार्डाइज और डिक्टेटोरियल और डोमिनेटिंग. ये कंफर्म जब तक नहीं होगा तब तक ये रूब्रिक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम रॉन्ग रूब्रिक सिलेक्ट करेंगे. और वैसे भी ये रूब्रिक मोस्टली अवॉइड करना, क्योंकि इसमें ओनली 4 रेमेडीज है. बाद में सर ने इसमें और एक रेमेडी ऐड की थी, दैट इज नेट्रम म्यूर. सो तो मोस्टली 5 रेमेडीज इसमें है. तो ऐसे शॉर्ट रूब्रिक, स्मॉल रूब्रिक हमेशा अवॉइड करना. द चाइल्ड नोज दिस पीपल विद हुम ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज वेरी हार्मलेस. दे आर द पीपल हु गिव हिम लव एंड नेवर मीन हिम हार्म. He has nothing to fear from them and therefore can dictate terms with them. Yes. The father who is not present throughout the day is taken as an outsider. He may be harmful to the child as would be a boss in an office or teacher in the school. Such people could be potentially harmful in front of them. The child who is devil at home could become a meek, timid entity. Such may be the psychotic variations of Lycosis, Lyco, Veratrum or Platina. Yes, so Psychosis, excess personality is an achiever. Yes, Psychosis, excess persons are always achiever, bossy, headstrong, obstinate, haughty, egoistic, positive. These peoples are having these qualities. His desires are more than his needs. Desire more than he needs. सर ने यहाँ रूब्रिक ही दिया है और उसके रेमेडीज है आर्सेनिक, आर्सफ, फ्लेवम, ब्राइटासल, ब्राइनिया, जिंकम, पॉस एटसेट्रा. He desires money, success, name, fame. There may be avarice, greed, plutonic for food. He pursues these desires with obstinacy and positivity. Yes. So, बहुत ही obstinate, positive, headstrong, egoistic, self-esteem. ये सब quality होते हैं psychosis excess mentality में. Achievers people, industrious people, workaholic peoples. So for achievement, he may use any means, morals. Behind this achieving tendency is a greed or a selfish interest. At the very base of it, it is cowardice and fear of death. The second function of reproduction in a cell was perhaps necessarily developed due to intense feeling in the cell. What will happen to my achievement, my acquisitions, both physical and the mental, when I die? I have to store it in genes, accumulate and pass on to someone. That someone should be very close to me, very similar to me. I do not want my things to go out of my clone or detour. Yes. So this is psychosis excess again. जो लोग बहुत कमाते हैं, बहुत कमा के रखते हैं,
बहुत मेहनत करेंगे, बहुत वर्क करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, जिनके पास बहुत सारा एक्युमुलेशन ऑफ मनी हो जाता है, बैंक बैलेंस फुल, फिक्स डिपॉजिट फुल ना, प्रॉपर्टीज बहुत सारे, तो इन पर्सन्स के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मैं इतना कमा के रख रहा हूँ, मैं जाने के बाद क्या, मैं जाने के बाद इसे कौन संभालेगा, है ना, रिलेटिव झगड़ा करेंगे प्रॉपर्टी के। तो ये सब मेरा जो भी टेरिटोरी है, मेरा जो भी साम्राज्य है, इसे संभालने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना है या फिर मुझे ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो मेरी तरह से ही सोचता हो, मेरी तरह से, मेरी मेरे जैसा ही वर्क करेगा, मेरे जैसा ही सोचेगा और मेरे जैसा ही होगा, दैट इज द क्लोन। फिर वो उस क्लोन के लिए सोचता है कि क्यों नहीं ये मेरा ही हो, मेरे जैसा ही हो, मेरा होगा तो मेरे जैसा होगा, और उसे कहते हैं डिक्टो, जो हम कहते हैं डिक्टो, एक्चुअली द वर्ड इज डिक्टो। यस, तो हम बोलते हैं ना हमेशा कि डिक्टो हमारे जैसा है, डिक्टो इसके जैसा है, डिक्टो उसके जैसा है, सो दिस इज क्लोन, डिक्टो। यस, सो आई डू नॉट वॉन्ट माई थिंग्स टू गो आउट ऑफ माई क्लोन और डिटो, सो दैट इवन वेन आई एम नॉट देयर माइंड विल रिमेन माइंड। इसीलिए आप देखो अभी तो बहुत कम दिखता है, लेकिन इसके पहले हम ऑलवेज ये शॉप के बोर्ड पे या फिर कंपनी के बोर्ड पे हमेशा पढ़ते थे, सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स, मतलब खानदानी बिजनेस, पर दादा से लेके तो अभी के जनरेशन तक ये चलते आ रहा है, सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स। सो दिस इज द फ्लो, ये इसका मतलब वो पहले वाले जो भी इसका फाउंडर होगा उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि मेरा बिजनेस प्रोग्रेस करना चाहिए, लंबा चलना चाहिए और मेरे जैसा ही इसे संभालने वाला होना चाहिए, इसलिए वो मेंटेलिटी, देखो सन्स एंड सन्स का बर्थ कहाँ से हुआ, तो वो थिंकिंग में से हुआ, एंड दैट इज द साइकोसिस एक्सेस। यस, सो द प्रोजेनी प्रोडक्शन वाज सपोज टू बी अ मैन्यूअर टू डिस्यू डेस्टिनी डेथ। यस, तो देखो इसके पीछे कैसा साइकोटिक माइंड है, मैन्यूरिंग माइंड है, तो ये मैन्यूरिंग माइंड कैसा कि मैं अगर नहीं रहा, एक्चुअली ये संभाल, मतलब वो थिंकिंग कैसी होगी, उस थिंकिंग का एक मीनिंग ये भी निकलता है कि काश मुझे और हजारों साल की लाइफ मिल जाती तो मैं इन सब चीजों का और आनंद ले सकता था और इसे मैं जी सकता था। तो ठीक है, ये तो डेस्टिनी है, ये तो कभी ऐसा होने नहीं देगी, है ना, ये ऐसा कभी नहीं होगा, अगेंस्ट द नेचर कभी नहीं होगा, मतलब आपको एक दिन जाना ही है, फिर जाना ही है, दिस इज द ट्रूथ। ये जब समझ में आ जाता है, तो ये समझ में आने के बाद फिर मैन्यूरिंग माइंड क्या करेगा, दैट मीन्स साइकोटिक माइंड क्या करेगा, ठीक है मैं नहीं तो मेरे जैसा ही कोई, मेरा अपना, जो इसको मेरी तरह से संभाल के रख सके, इसे और बढ़ाए, दैट इज द साइकोटिक माइंड, मैन्यूरिंग माइंड, डिसीविंग माइंड। यहाँ पे डिसीविंग क्या है, डिसीविंग डेस्टिनी, है ना, डिसीविंग डेस्टिनी, दिस इज द सेल्फिश माइंड एंड साइकोटिक एक्सेस माइंड, सो दैट इवन डेथ शुड नॉट मेक मी पार्ट विथ माय इनवैल्यूएबल्स, द सेल्फलेस सेल्फिश मोटिव्स, सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ सेंटर्डनेसनेस, फियर ऑफ लॉस एंड डिसेप्शन, परहैप्स ड्रू द सेल टू इवॉल्व माइटोसिस टू क्रिएट अ डिटू, बट देयर वेयर अदर फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्ल्ड व्हिच प्रिवेंटेड अ 100% डिटू आर अ क्लोन, इवन अ ह्यूमनली आर्किटेक्चर्ड साइंटिफिकली परफेक्ट मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस अ क्लोन। देखो ये हमारा माइंड है, दिस इज साइकोटिक माइंड, लेकिन हर बार ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। आप देखो हम फिल्मों में देखते हैं, बहुत बार ये सुनते हैं कि
फादर ने इतना जमा करके रखा है ना, पाइप पाइप जोड़ के रखे और बच्चे देखो कैसे निकले। दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ मैन्यूरिंग मैन। तो बच्चे सब उड़ा देते, बच्चे उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेंगे, एक मेक के दुश्मन बनेंगे। यस, तो आप देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मुगल्स में। मुगल्स में ये एक सिस्टम चलते आई कि हर कोई अपने बाप का खून करता था, मर्डर करता था और वो राजा बन जाता था। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन्यूअरिंग में। खुद के ही बाप को मैन्यूअर करते थे, धोखा देते थे, डिसीव करते थे और खुद राजा बन जाते थे। तो ये मुगल्स में चलते आया। Yes. So which can be 100% identical? The obvious reason for this is that identity does not only depend upon genes. ये बहुत ही meaningful sentence सर ने यहाँ लिखा है कि identity does not only depend upon the genes. इसका मतलब क्या? ये तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जो जो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे कि मेरा बच्चा मेरे जैसा ही निकलने को ना, है ना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, वकील का बच्चा वकील, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता ऐसा? हर किसी के साथ नहीं होगा। जहां वो जीन्स 90% सिमिलर होंगे वहां ही ऐसा होगा कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बना और वकील का वकील। लेकिन जहां ये जीन्स सिमिलर नहीं होते, जैसे कि जो इनहेरिटेड जीन्स है और एक्वायर्ड जीन्स है, जो पेरेंट्स से आए वो सिमिलर होंगे, लेकिन जो अपने इंडिविजुअल जीन्स है वो डिससिमिलर होंगे, और वो जो डिससिमिलैरिटी उस जीन्स में आई वो उसे वैसा करने ही नहीं देंगे जो पेरेंट्स से चलते आया है। वो डिफरेंट होंगे एंड दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इंडिविजुअलाइजेशन। और हमें यही चाहिए। वी होम्योपैथ ऑलवेज सी द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, इंडिविजुअलाइजेशन, है ना, कि इस पर्सन को इस दूसरे पर्सन से कौन सी बातें हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अलग करते हैं, ऐसे कौन से जीन्स है जो इस पर्सन को इस पर्सन से अलग करते हैं, और वही उसकी आइडेंटिटी होती है। इसीलिए आइडेंटिकल, द ऑब्वियस रीजन फॉर दिस इज दैट आइडेंटिटी डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द जीन्स। तो वो 5% जीन्स होते हैं उसको अलग करते हैं, और वही जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि वही बिजनेस वही सेम उसका आगे चलेगा, वैसे ही बच्चा चला दे जाएगा जैसा इन्होंने किया। नो, वो वहां पे ब्रेक भी हो सकता है। सो दीज जीन्स देमसेल्व्स आर कॉन्स्टेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एनर्जीज विच आर सराउंड द एंटिटी। दीज एनर्जीज विच इन्फ्लुएंस द न्यू एंटिटी रेंजेस फ्रॉम कॉस्मिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ द ह्यूज प्लैनेट एंड सन इन अवर सोलर सिस्टम। These may differ according to their position in the sky. और ये different genes क्यों आते सर ने? जैसे कल परसों किसी ने ये question किया था कि सर कुंडली भी जानते थे, तो सर ने उसका example यहाँ दे दिया कि सर ने कुंडली की study क्यों किए थे, क्यों सर ने सभी ग्रहों की study किए थे। तो सर उस पर से भी रूब्रिक्स निकालते थे, रूब्रिक्स लेते थे। मोस्टली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जहाँ सिम्टम्स नहीं मिलते, बहुत हिस्ट्री नहीं मिलती, पेरेंट्स कुछ नहीं जानते, या फिर जानते हुए भी कुछ पेरेंट्स बताते नहीं क्योंकि उनपे वो ब्लेम हो जाएगा, इसलिए वो डरते हैं बताने के लिए हिस्ट्री। और ऐसे पेशेंट्स में जहाँ हिस्ट्री ही नहीं है लेकिन हमें वो पेशेंट ट्रीट करना है, तो सर ने ये जो कुंडली का स्टडी किया था उसका यही मेन एक रीजन था कि इन पेशेंट्स में अगर कुछ हिस्ट्री नहीं मिले, कुछ सिम्टम्स नहीं मिले, रूब्रिक्स नहीं लेते आ रहे, तो इनका
कुंडली निकालो और कुंडली पर से देखो कि ऐसे क्या सरकमस्टेंसेस आए थे जिस पर से इस पर्सन का, इस पेशेंट का, इस बच्चे का माइंड इस तरह से हुआ, इसमें ये डिसेबिलिटी आई। तो ये वो स्टडी था जिस पर से सर वो निकालते थे कि उस वक्त कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस में थे, कौन से ग्रह के इन्फ्लुएंस में इसका बर्थ हुआ, कौन सी पावर वहां पे चल रही थी, कौन सा किस पावर का इफेक्ट इस बॉडी पे हुआ, इस माइंड पे हुआ। तो उस पर से सर रूब्रिक्स लेते थे और उसे रिपर्टराइज करके उस पेशेंट की मेडिसिन निकालते थे। सो दिस मे डिफर अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन द स्काई लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एट विच द टू वेयर बॉर्न एट डिफरेंट टाइम्स मे हैव डिफरेंट काइनेटिक फोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग इट। यस द पीपल अराउंड हैव देयर ओन वाइब्रेशंस ऑल ऑफ विच मे इन्फ्लुएंस द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म विद इन डिफरेंटली एंड हेंस कॉज द वेरिएशंस। यस दिस मे कॉज द न्यू प्रोडक्ट टू अचीव अ डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म नॉट आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल लाइक अ डॉली। आपने डॉली का नाम सुना ही होगा, ये वो फिल्म वाली डॉली नहीं है ना। यस डॉली ये हमारे ही कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोट पे और उससे क्लोन बनाया था और दैट क्लोन्स नेम बेबी क्लोन नेम इज डॉली। लेकिन कुछ दिन बाद उस डॉली को क्या हुआ जो मदर के हिस्ट्री में नहीं था और मदर को भी नहीं था, इसीलिए ये डिफर करता है कि ओरिजिनल जीन्स और जो अपने पर्सनल जीन्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। सो दिस मे कॉज इस पर से और एक एग्जांपल ऐसा भी है, हम बोलते हैं कि जो पास्ट हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री लेते हैं उसका मेन रीजन ये होता है कि फैमिली में क्या क्या डिजीजेस हुए, पेरेंट्स को क्या क्या डिजीजेस हुए, तो फिर उस टाइप के डिजीजेस इस मतलब इस पर्सन में इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो अगर पेरेंट्स को कैंसर था दोनों को और उनके पांच बच्चे अगर, तो पांच ही बच्चों को कैंसर नहीं होगा, हो सकता है उसमें से एक को हो दो को हो लेकिन बाकी सेफ रहे। तो ये बाकी के सेफ क्यों है, क्योंकि उनके पर्सनल जीन्स वहां पे मोर एक्टिव है। वो जो पर्सनल जीन्स है, जो सेल्फ जीन्स है, वो वहां पे डोमिनेटिंग है, इसलिए पेरेंट्स की जीन्स वहां पे इनएक्टिव रहे और वो कभी एक्टिव हुए नहीं, इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग कभी कैंसर से सफर नहीं होना पड़ा। दिस इज द मेन रीजन। So this may cause the new product to achieve a different defense mechanism not identical with the original. Dolly, the first clone animal, developed arthritis which the original did not have. जो क्लोन साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था डॉली, उसे आर्थराइटिस हुआ लेकिन उसके मदर को नहीं। So she perhaps developed psychosis, depends disease, while the original perhaps was in Sora. Yes. So depends at genetic level makes all the difference. The clone with the psychotic depends will now show variations from the original, both in terms of looks and behavior. It may now develop a larger bony structure and behave entirely differently than the original in face of some difficulties or hostile stimulus. बहुत से बच्चे होते पेरेंट्स के जैसे दिखते ही नहीं, इसका मतलब उनके जो सेल्फ जीन्स है वो वहां पे स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट्स अगर साइकोटिक होंगे तो बच्चे सोरिक दिखेंगे, मतलब क्या है उनमें वो साइकोटिक माइज़म प्रोमिनेंटली आया ही नहीं, आया वो जीन्स आए लेकिन वो कैसे इनएक्टिव है। सॉरी। सो द क्लोन विद द साइकोटिक डिपेंस विल नाउ शो वेरिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल बोथ इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड बिहेवियर।
It may now develop a larger bony structure and behave entirely differently than the original in case of some difficulty or hostile stimulus. In short, any being which lives has to defend to live. Yes. तो हर कोई अपना लाइफ सरवाइव करता है फॉर द डिफेंस, और डिफेंस की वजह से ही, डिफेंस के बेस पे ही वो सरवाइव होता है. एंड एनीथिंग विच डिफेंस कैन नॉट बी आइडेंटिकल. Even identical twins react differently in the same situation. This is called identity, self-identity. अगर twins है, एक ही उम्र है, एक ही पेरेंट से हैं, 9 महीने साथ में रहे, लेकिन दोनों का भी नेचर डिफरेंट होगा. अगर वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट नेचर के होंगे तो वो अंदर में ही झगड़ा करेंगे, एक मेरे को पैर से लौटेंगे. हम ये वीडियोस देखते हैं. यस, देन बाहर आने के बाद दोनों के भी नेचर में, बिहेवियर में, रिएक्शंस में, डिस्पोजिशन काफी डिफरेंस रहेगा. एक चिली होगा तो दूसरा हॉट होगा, एक एंग्री है तो दूसरा माइल्ड है. Cannot be identical. Even identical twins react differently in the same situation. The defense mechanism which are mode of defense prevent identical existence and hence is the base of what Hahnemann calls individualization. तो ये दोनों twins बच्चे इतना different क्यों? वो इसलिए कि it determines their identity, that is called individualization. So this is the will. इसीलिए दो बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो totally depends है उनके genes पे, उनके अंदर जो mechanism है उस पे. एक सोरिक होगा तो एक साइकोटिक होगा, एक साइकोटिक होगा तो एक सिफिलिटिक होगा. जरूरी नहीं कि दोनों साइकोटिक हो, दोनों सिफिलिटिक. Now the intellect. अभी हमने will देखा, now we will see the intellect. So profuseness of thought processes leads one to become an intelligent entity. The avarice for knowledge stems from there to achieve more and become greatest or unique or unparalleled. All these and the fertility of brain in psychosis excess may make an individual an intellectual. The brain is full of fantastic ideas, immense possibilities and probabilities, mostly constructive or at times also very destructive. To maneuver, escape, rationalize or to devise an excuse becomes a child's play. His fertile brain can think of new designs, new theories, and can create new things leading to discoveries and inventions. Either side of the brain, the left brain standing for logic and analysis, and the right brain which helps him in the purpose of creativity and imagination. Both are functionally well enhanced and well balanced in making of a scientist or a discoverer or even a poet. The creativity and the imagination brain can give birth to poems. These people are more sensitive verses or even stories to make a good poet or a famous author. Quickness of perception, analysis and application of one
theory to another and practical observation leads to theorizing in such brains. Most of the scientists and great discoverers owe their discoveries perhaps to such a psychotic intellect. तो यहाँ पे जितने भी ये दिए हैं types of the intellect, these are all psychotic intellect. तो psychotic intellect अगर नहीं होगा तो आप theories बना ही नहीं सकते, poems बना ही नहीं सकते, songs लिख ही नहीं सकते, stories लिख ही नहीं सकते. yes, तो इसके लिए जो mind चाहिए वो psychotic mind ही चाहिए. There is a bad side to this same quality too, when a sly element is added to this intellect. It makes a perfect pirate. Yes. Intellectual है, बहुत intellect है, लेकिन थोड़ा सा slyness उनके intellect में है, तो ये people क्या करेंगे, ये ऑलवेज पायरेसी करेंगे. आप देखो म्यूजिक एल्बम के कितने पायरेसी होते हैं, किसी का म्यूजिक चुला रहे हैं, किसी की स्टोरी चुला रही है ना, किसी पिक्चर की, जूने पिक्चर की स्टोरी कुछ मिक्स करके नई बना दी. दिस इज इंटेलेक्ट बट स्लाई इंटेलेक्ट, साइकोसिस ना. बहुत से लोग कॉपी करते हैं, इधर का कॉपी करके उधर अपने नाम से पब्लिश कर दिया. दिस इज स्लाई माइंड, स्लाई इंटेलेक्ट. यस, इट मेक्स अ परफेक्ट पायरेट. पायरेटेड बुक्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स, फिल्म्स एंड इवन थ्योरीज आर ऑफर्ड टू द वर्ल्ड कैमोफ्लेज एज ओरिजिनल्स. कॉपिंग clandestinely, taking 3 to 4 theories and combining and dishing out a brand new one is a surreptitious act of a psychosis excess intellect. So this intellect is psychosis excess intellect. Such intellect gives rise to modern day politicians or even the much maligned gurus in saffron or white garbs. आप देखो अभी जितने भी गुरुज है जो हम स्पिरिचुअल पर्सन्स कहते हैं, भगवे कपड़े वाले हो या फिर सफेद कपड़े वाले, उनके माइंड देखो फुल ऑफ साइकोसिस. तो इंटेलेक्ट है लेकिन बहुत से गुरुज का इंटेलेक्ट फॉर शो ऑफ है, फॉर स्लाई है, मैन्यूअरिंग है. यस, सो मिसलीडिंग द मासेस ऑफ मासेस बाय देयर मैन्युपुलेटिव इंटेलेक्ट एंड इलोक्वेंस. हियर टू दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे टीच, what they preach, which is also true in homeopathic world. Same है, ये ऐसा ही होगा हर फील्ड में. ये है हर फील्ड में चलता है, कौन सा भी एजुकेशन का फील्ड लो, कौन सा भी लो आप, हर फील्ड में ये आपको मैनिपुलेटिंग दिखेगा, मिसलीडिंग दिखेगा. यस, स्लाइनेस. और वैसे ही सर ने कहा है कि होम्योपैथी भी इससे छुट्टी नहीं, बची नहीं. होम्योपैथी में भी ये है, हमारे कितने स्टूडेंट होम्योपैथ होते हैं, हर साल कितने स्टूडेंट होम्योपैथी में आते हैं, एडमिशंस लेते हैं, फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकंड, थर्ड, और जब फाइनल ईयर आ जाए तो उनका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है कि ना, होम्योपैथी छोड़ के जल्दी से पैसा कमाना, ये उनका एक मोड ऑफ थिंकिंग हो जाता है कि नहीं होम्योपैथी से कब पैसा कमाएंगे, होम्योपैथी से
कितने दिन लगेंगे, पेशेंट आएंगे कि नहीं, रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं, एंड क्योंकि वो अंडर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटलों में जॉब करते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं, पैसा देखते हैं और उस फसाड़ में आ जाते हैं, उस फैशन में आ जाते हैं, है ना। उनको जो फैंसी लाइफ दिखता है उन लोगों का, वो बहुत उससे इंप्रेस होते हैं और उनकी थिंकिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने, बाद में होम्योपैथी पे आ जाएंगे धीरे धीरे धीरे। लेकिन ऐसा करने वाले ऑलवेज फेल होते हैं। एक बार उनका एलोपैथिक माइंड बन गया तो एलोपैथिक माइंड, एलोपैथिक प्रैक्टिस माइंड को फियरफुल बना देती है, टिमिड बना देती है। फिर कुछ भी हुआ, अगर पेशेंट को आपने होम्योपैथी दिए और थोड़ा सा उसे फीवर आया, या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ WBC है, RBCs या फिर न्यूट्रोफिल्स बढ़ के आए, तो उनको लगता है अरे इन्फेक्शन बढ़ रहा, एंटीबायोटिक दे, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आपने जो सोचा कि होम्योपैथी से ट्रीट करेंगे, उससे आपको कोसों दूर जाके रख देंगे। वो जो फियर माइंड में डाल दी है एलोपैथी ने, वो उन्हें परफेक्ट होम्योपैथी बन करने ही नहीं देंगे और परफेक्ट होम्योपैथ बनने ही नहीं देंगे। तो ये सेम इन ग्रुप के जैसा है, जो लोग लोगों को फंसाते हैं, वैसे ही ये लोग खुद को भी फंसा रहे हैं और होम्योपैथी को भी। पर होम्योपैथी रहे 5-6 साल होम्योपैथी में स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब उस इन्वेस्टमेंट का फायदा लेने का आता है, उसका बेनिफिट रॉयल्टी लेने का टाइम आता है, तो मुखर जाते हैं और एलोपैथी करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग फिर एलोपैथी भी नहीं जमती तो हॉस्पिटलों में जॉब कर लेते हैं, फिर उसी उतने ही लिमिटेड लाइफ पे या फिर पैसों पे, अर्निंग पे पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको मिलेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक प्लेजर जो रिजल्ट देने के बाद मिलता है, एक खुशी, एक आनंद, वो उनको कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा, आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करके, होम्योपैथी पढ़ के एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक ओनली जीपी बन के रह जाएंगे, और अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे तो एक कंसल्टेंट बनाएंगे, एक कंसल्टेंट बनेंगे, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, होम्योपैथिक फिजिशियन। फिर आप चाहे जो भी कर सकते। यस, सो तो स्लाई माइंड, डिसेटफुल माइंड, मैनिपुलेटिव माइंड किस तरह से आपका नुकसान करता है? साइकोसिस ऑलवेज आपको फायदा ही देगा नहीं। तो इसके लिए और एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एक फिल्म है, आप वो एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, दुश्यम, दृश्यम, अजय देवगन की फिल्म, बहुत ही एक्सलेंट फिल्म है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइकोटिक माइंड, किस तरह से वो मैनिपुलेट करता है, किस तरह से नई नई आइडियाज निकालता है, किस तरह से वो हर किसी को, मतलब उनको पता चलने के पहले ही इसके आइडियाज रेडी हो जाती है। उसका सेकंड पार्ट भी आया, सेकंड पार्ट भी बहुत ही एक्सलेंट बनाया। तो सब लोग आप वो एक बार फिल्म जरूर देखना, दृश्यम, बहुत ही एक्सलेंट फिल्म है, फुल ऑफ साइकोटिक माइंड, साइकोटिक एक्सेस। यस, सो दिस इज द इंटेलेक्ट। तो वो फिल्म देखने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि साइकोटिक इंटेलेक्ट कैसा होता है। यस, नाउ द मॉरल्स, साइकोटिक मॉरल्स। यस, सो द प्रेटी थ्यूज, रॉबर्स एंड गैंगस्टर्स,
respectively are steps in ladder-like progression of psychosis morals. This most primary step of achieving primary needs in illegal, superstitious way start from the insufficient nutrition, that is sora, for the individual whose daily needs of bread and butter for himself and his family are not met with hunger looms large in front of him. Insufficient daily necessities of life, despite working hard for it, propels him to acquire it in a clandestine way. Yes. बेसिक नीड क्या है इंसान की? दो टाइम का, दो वक्त का खाना, पहनने को कपड़े, रहने को घर, है ना? इसको क्या कहते हैं? अन्न, वस्त्र और निवारा, है ना? This is the basic need of living being. ये अगर फुलफिल हो गई तो आप always सोरा में रहेंगे कि भाई इतनी ही नीड है, इससे ज्यादा नहीं. ये अगर है तो this is the pure सोरा, basic need सोरा. लेकिन ये मिलने के बाद भी हमारे desires बढ़ते जाते, हमारे likes बढ़ते जाते. हम जैसे जैसे हमारे माइंड में आइडियाज आएंगे, माइंड डेवलप होते जाएगा, इवोल्यूशन होगा, और हम हर वो चीज एडॉप्ट करना चाहते हैं जो हमारे आंखों से दिखती है. दिस इज द साइकोसिस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ साइकोसिस. तो फिर आज का तो होगा हमारे को, हमें कल का भी कमा के रखना है. दिस इज साइकोसिस. तो जो नीड सोरिक है वो फुलफिल होने के बाद धीरे धीरे साइकोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो सर ने यही यहाँ बताया कि इनसफिशियंट डेली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, फिर वो सब चीजें पाने के लिए ऐशो आराम, ऐशो आराम पाने के लिए फिर हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्सेस वर्क करना पड़ेगा, है ना? एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ेंगी. ना जो आप क्लिनिक चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपका खाली सोरा कंप्लीट हो रहा, मतलब आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिल रही. फिर इसके लिए आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि प्रैक्टिस तो कर रहे हम, इसमें ही ऐसा कुछ सोचते हैं ताकि हमारा और पैसा आए और हमें वो लाइफ मिले. फिर आप सोचेंगे कि इसके साथ साथ मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, है ना? ऐसे 5 डोज देने हैं तो 10 दे दूंगा. तो दिस इज साइकोटिक माइंड. स्लाई मैन्युअरिंग स्टार्ट हो गया. इंटेलेक्ट कहाँ यूज हो रहा है? इन चीजों में. दिस इज साइकोसिस. या फिर नहीं आपको इसमें करना है तो आप अदर सोर्सेस ढूंढेंगे इनकम के, है ना? ट्रेडिंग करेंगे, शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे, वहां से पैसा कमाने की सोचेंगे, प्रॉपर्टीज में डालेंगे. तो ये सब करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा फिर ऑटोमेटिक नहीं आएगा. उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिवनेस लाना पड़ेगा, तो पैसा कम टाइम में ज्यादा आएगा. दिस इज द साइकोटिक, साइकोटिक इंटेलेक्ट. सो जब इससे भी होता नहीं, आपने ये कर लिया, आपको ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई, लेकिन हमें उस पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता. हम इतने कंटेंटेड नहीं कि बस इतना हो गया, काफी हो गया, बस अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, नहीं. फिर हमारे माइंड में धीरे धीरे आता है कि नहीं, मेरा तो हो गया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? उनको भी तो ये मिलना चाहिए. फिर एक बच्चे का नहीं, हमारी 7 पीढ़ी ऐशो आराम में जिए, इतना मुझे कमा के रखना है. अब क्या होगा ये? अरे भाई, पहले तू तेरी तो देख. ठीक है, तेरी देख लिया, तेरे बच्चों की देख, लेकिन बच्चों की भी नहीं, उसके 7 पीढ़ियां,
इतना कमाना है, फिर इतना कमाने के लिए उस माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल चलाना पड़ेगा, एंड दैट आउट ऑफ कंट्रोल इज सिपिलिटी। फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं, एक ही एम, एक ही आपके सामने एक क्या बोलते हैं अपन, पूरा लाइफ का गोल एक ही रहेगा कि पैसा, खाली पैसा। तो उस पैसे के बीच में कोई आता भी है तो उसका नो इम्पोर्टेंस, फिर उसकी जान भी चली जाए तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस इज सिपिलिटिक माइंड, और यही होता है जो एक लेवल के मतलब साइकोसिस लेवल कंप्लीट होने के बाद जो लोग उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर दे नेवर गिव द इंपॉर्टेंस टू लाइफ फॉर सेल्फ एंड अदर्स आल्सो, दे टोटली बिकम हेडलेस फॉर लाइफ, दैट पीपल आर सिपिलिटी। सो सिपिलिटिक में भी फिर गुड एंड बैड होता है, फिर हम वो आगे देखेंगे सिपिलिटिक मेंटल्स में। यस, इट इज अ मैड मैड वर्ड। यस, देयर इज अ रेस फॉर सर्वाइवल स्पेशली इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया। यहां पे देखो सर्वाइव होने के लिए रेस चल रही है ना, बॉम्बे से बहुत लोग हमारे ग्रुप में है, बॉम्बे में क्या लाइफ है, कितनी लाइफ सरवाइव होने के लिए रेस डेली की लाइफ की हो जाती है। सुबह उठते बराबर फटाफट करो, है ना, लोकल पकड़ो, लोकल से यहां जाओ, लोकल में इतनी भीड़ होती है कि वो जो गंदा पानी होता है उसमें मच्छर डाल दो तो वो वैसे मुंह निकाल के ऊपर देखती, वैसे ही लोकल की कंडीशन है। और ये सब काय के लिए, सर्वाइवल के लिए। सो देयर इज अ रेस फॉर सर्वाइवल स्पेशली इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर डिमांड्स आर मोर एंड द सप्लाई इज लेस। बॉम्बे में देखो लोग इतने हैं, डिमांड इतनी है, लेकिन स्पेस नहीं, छोटे छोटे इसमें दो दो तीन तीन परिवार रहते हैं, चार बाय चार के खोली में दो दो परिवार रहते हैं। वन स्टार्ट स्टीलिंग टू सर्वाइव, फिर नीड पूरी नहीं हो रही, सर्वाइव होने के लिए जो चीजें चाहिए वो मिल नहीं रहे, फिर शुरू हो जाता है स्टीलिंग, है ना। और वो भी स्टीलिंग ऐसा कि थोड़े से पैसे के लिए दूसरों की जान ले लेना, थोड़े से पैसों के लिए दूसरों की जान ले लेना, इतना डेंजरस। मेरे एक फ्रेंड थे और उनके बड़े भाई एक सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत नाम था उनका। तो हॉस्पिटल और घर की दूरी बहुत ज्यादा थी। एक दिन रात में उनको कॉल आया कि इमरजेंसी ऑपरेशन है, आना पड़ता। वो गए हॉस्पिटल, रात में सर्जरी किए और हॉस्पिटल से सर्जरी करके गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो टाइम बहुत हो चुका था, रात बहुत हो चुकी थी, बीच में किसी ने उनको हाथ दिया, इन्होंने गाड़ी रुके और डायरेक्ट पिस्तौल सिर पे लगा दी और इन्होंने बोला कि मैं अभी ऑपरेशन करके आया हूँ, मैं रात में सोया था घर पे, फोन आया इसलिए मुझे वैसे ही निकलना पड़ा। वो डिमांड कर रहा था जो है निकाल के दे दो। अब उनको लगा कि इतना बड़ा डॉक्टर है तो पैसा तो बहुत होगा, ऑपरेशन करके आ रहा है मतलब पैसा होगा, और मतलब
उन्होंने रियल कंडीशन बता दी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही निकला हूं नाइट ड्रेस पे घर से। उन्होंने उनका मोबाइल उसे दे दिया और बाकी पास में कुछ भी नहीं था, इवन घड़ी भी पहने हुए नहीं थे, खाली मोबाइल था, गाड़ी थी। उसने बोला भाई ये गाड़ी ले ले, तो बोले मैं गाड़ी लेके क्या करूंगा, पैसे निकालो, सोना निकालो। जब इन्होंने बोला कुछ भी नहीं तो उसने टिकट दबा दिया। डॉक्टर खलास, दिस इज फॉर सर्वाइवर। थोड़े से पैसे के लिए दूसरों की जान ले ली। यस, तो इंटेलेक्ट देखो, इंटेलेक्ट कैसा, सोरिक इंटेलेक्ट कैसा साइकोटिक बन जाएगा, मॉरल सोरिक मॉरल्स कैसे सिकलेटिक बन जाते हैं। यस, सो देयर इज अ रेस फॉर सर्वाइवल स्पेशली इन ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर डिमांड्स आर मोर एंड सप्लाई इज लेस। वन स्टार्ट स्टीलिंग टू सर्वाइव, अ फियर कॉन्स्टेंटली लर्क बिहाइंड हिज माइंड दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, he may be caught and punished। या हर कोई गुनाह करने के माइंड में ये चलते रहता है। Once he succeed in acquiring money in his manner, then उसका माइंड, अपन ने कल देखा था थिक स्किन्ड है ना, जिनकी थिक स्किन हो जाती है उनका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक बार वो चीज उन्होंने पा लिए, वो सक्सेसफुली कर ले कि उनका करेज बढ़ जाता है। अरे यार हम तो सक्सेस हो गए, हम तो ये कर सकते, आराम से कर सकते, हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सो वंस ही सक्सेड इन एक्वायरिंग मनी इन दिस मैनर द सोरिक कॉन्साइंशियसनेस स्टार्ट्स गिविंग वे टू साइकोटिक स्लाइनेस एंड नॉन कॉन्साइंशियसनेस। All this stage a mixture of emotions prevail। Yes, छोटे बच्चे भी इसी तरह से सोरा टू साइकोसिस में जाते हैं। आप देखो अगर बच्चे डेली होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे डेली होमवर्क कर रहे हैं, आप डेली उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं, लेकिन एक दो बार आपने उनका होमवर्क चेक नहीं किया और उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये चेक नहीं करते, एक आधी बार बंक मारा तो चल जाता है। फिर एक आधे दिन वो होमवर्क नहीं करेगा और आपने उसी दिन होमवर्क चेक नहीं किया तो बच्चा सोचता अरे जम गया। देखो सोरिक माइंड कैसा साइकोटिक में टर्न हो जाएगा, वो एक एक्सीडेंटली आपने उस दिन देखा नहीं और एक्सीडेंटली उसको सक्सेस मिल गया, लेकिन हिज माइंड चेंजेस द गियर। वो बोलता है यस आज तो जम गया ना, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होता है और उस दिन भी उसने होमवर्क नहीं किया और आपने बोल दिया कि होमवर्क दिखाओ, फिर वो बहाने बनाएगा, नहीं वो बुक मेरे फ्रेंड को दे दिया, उसका उसको होमवर्क करने का था तो ऐसा वैसा कुछ ना कुछ वो रीजन देगा, बहाना बनाएगा। एंड दैट रीजन गिविंग माइंड इज द ऑलवेज साइकोटिक माइंड, क्योंकि रीजन देना इट इज ऑलवेज अ झूठ बोलना। तो अगर उस दिन आपने उसे कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तो अब उसका एक्सपीरियंस उस चीज में बढ़ गया, नाउ हिज स्किन बिकम थिक कि ऐसा करने से जमता है बेटा, ऐसी आइडियाज लगाने पड़ता, और वो उसके फ्रेंड्स को बताएगा कैसे बना दिया मैंने। दिस इज साइकोटिक माइंड, और धीरे धीरे फिर ये उसको स्लाई डिसिटफुल मैन्युपलिंग बनाते जाएगा। ये ऑलवेज मैन्युपुलेट हिज टीचर पेरेंट्स फ्रेंड्स एटसेट्रा।
फुल फेज में फिर साइकोटिक माइंड हो जाएगा. यस, सो दिस सोरिक एंजाइटी, सो एट दिस स्टेज मिक्सचर ऑफ इमोशन प्रिवेल, द सोरिक एंजाइटी एंड द साइकोटिक फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड बीटन अप आर बोथ ट्राइंग टू ओवर पावर ईच अदर. वंस success after success is achieved, then the soric anxiety disappear. Now to hell with this conscience. The person become thick skin, a slang but apt phrase used to describe psychosis by layman, inadvertently verbatim. He becomes thick due to accumulation of psychosis. फिर उस पे किसी बात का असर नहीं होता. आप उसे मारो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उस पे किसी चीज का असर नहीं होगा. स्टार्टिंग के दिनों में आपने मारा भी तो रोएगा, बाद में उसके आंसू भी सूख जाते हैं और वो खुद बोलेगा मारो, तुम्हारे में कितना दम है, तो और वो हिक भी नहीं करेगा. दिस इज साइकोसिस. सेंसिटिविटी सोरिक माइंड कंप्लीटली चेंज इंटू thick skin, slyness. Though fear lurk from within, a thick wall of rationalization is built. A thick wall of rationalization is built. He goes on acquiring the needs which within short time turns to greed. The easy money letter is used to carry on this same business of flickering pockets by using smaller thews hired by him. Gangster कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं, इसका एग्जाम्पल सर ने यहाँ दिया है कि पहले वो छोटी छोटी चोरी करते हैं, है ना, पॉकेट मारेंगे, जब में से पैसा निकालेंगे, चलते चलते कोई भी चीज उठा के भाग जाएंगे, और वो जब पकड़े नहीं जाते तो उनका करेज बढ़ते जाता है, और एक कई बार पकड़े भी गए तो थोड़ा सा मार, अरे यार थोड़ा सा मारते और छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डांटेंगे छोड़ देते हैं, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंटिन्यू द वर्क. और धीरे धीरे वो अपना वर्क करते जाते और अपनी स्किन को थिक बनाते जाते, अपने माइंड को बोल्ड करेजियस बनाते जाते. वो टिमिडिटी फियर साइकोसिस सोरिक जो था वो कंप्लीटली निकल जाता है और साइकोसिस वहां फुल फेज में फिट हो जाता है. और कुछ दिन बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत कर लिया, ये छोटे मोटे चोरियों में कुछ मजा नहीं है, कुछ बड़ा करते हैं. फिर वो डकैती, है ना, फिर उस डकैती में अगर किसी की जान भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती. दिस इज टर्निंग इनटू सिनिसिज्म. फिर उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं, बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, अब अपन बैठ के खाएंगे, बॉसिंग करेंगे, है ना, अपन बॉस बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, और छोटे मोटे जिनको भुट्टे चोर कहते हैं उनको अपन जॉब पे रख देंगे, उनको थोड़ा पैसा देंगे और उनको चोरी करने को लगाएंगे. एंड नाउ ही बिकम्स अ गैंगस्टर, एक गैंग बना लेगा और ही बिकम अ गैंगस्टर. क्यों, अब उसको इतने अपने लाइफ से इतना प्यार हो जाता कि वो मरने के लिए डरता है. फिर वो घर पे अपने ऑफिस में बैठेगा और दूसरे लोगों से काम करवा के लेगा. दिस इज कंप्लीटली मैनिपुलेटिंग माइंड. द इजी मनी लेटर इज यूज टू कैरी ऑन दिस सेम बिजनेस ऑफ फ्लिकरिंग पॉकेट बाई यूजिंग स्मॉलर थ्यूज हायर्ड बाई हिम. ही बिकम्स द बॉस ऑफ अ गैंग प्रोटेक्टेड बाई गार्ड सिटिंग इन द सेफ्टी ऑफ होम कवर्ड्स, नॉट रिस्किंग हिज डियर लाइफ एंड गेटिंग हिज वर्क डन फ्रॉम द अदर्स. ना, तो जितने भी गैंगस्टर है, छोटा राजन, बड़ा राजन, गौड़ी, सब ऐसा ही करते. दिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायर लार्जर डायमेंशन, समटाइम्स इवन टू इंटरनेशनल लेवल्स. यस, द प्रेटी थिफ हु वंस स्टार्टेड एज अ पॉपर
becomes a person with high ambitions, acquires high standards of living, and become most exclusive and too exclusive. Yes, अब देखो माल्या, मोदी, नीरज, सब इनके माइंड इसी तरह से बने. सोरा टू साइकोसिस, साइकोटिक टू सिफिलिस, भाग गए. He operates internationally with a big nexus of people and gangsters ready to work for him, die for him, and kill for him at all at a price which he is more than willing to pay. He is the brain behind. Very often he manipulates and maneuvers his way to become a respectable. फिर धीरे धीरे वो चैरिटी करना शुरू कर देते, लोगों के माइंड में, लोगों के मनों में, दिलों में अपना एक रिस्पेक्ट, अपनी एक पोजीशन तैयार करना शुरू कर देते हैं. चैरिटेबल है ना, मैग्नेनिमोस, फिलैंथ्रोपिस्ट, वीआईपी, इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन अ मिनिस्टर, ऑल क्रेडिट गोज टू हिज साइकोटिक माइंड. यस, द डिफेंस और miasm of psychosis, which is based on the aberration, that is departure from what is true, right or correct, of function of reproduction, tends to have a sexual hue. Sex is one of the method of reproduction and which is dominant trait in man. Yes, thus the psychosis, whether excess or less, are likely to revolve around this. The excess of sexual desire and the urge for gratification of sexual urge makes the fertile psychotic mind manipulative circumstances to achieve what they want. Yes. So sex or sexual act always cue the dominant trait. यस, सो इसीलिए देखो कि मेंस, मेल्स आर डोमिनेंट. सो बिकॉज ऑफ एक्सेस सेक्सुअल ड्राइव, सो द बॉस एंजॉइंग अ क्लैंडेस्टाइन अफेयर विथ हिज सेक्रेटरी और मल्टीट्यूड्स ऑफ दे, and then when detained with obvious consequences, getting cold feet due to the coward nature is an ideal example of psychosis morals. बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑफिस में होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं और ऑलवेज उनके सेक्रेटरीज के साथ उनके अफेयर्स होते हैं. यस, सो फियर ऑफ बीइंग कॉट और एक्सपोज्ड, लूजिंग हिज सोशल पोजिशन इज अपर मोस्ट इन हिज माइंड. इसीलिए वो उनको फ्लैट लेके देंगे, है ना, और चोरी से वो फ्लैट पे जाएंगे. यस, फ्लर्टिंग विथ लेडीज, आइडिया, जॉब्स एंड इवन डेंजर्स में मेक हिम अपीयर कैप्रिशियस और इवन फ्रियोलस. द माइंड इज फुल ऑफ लस्ट, लीडिंग टू लैशियसनेस इन एक्ट एंड स्पीच. सच कॉन्स्टिट्यूशन वेरी ऑफन सफर from bad effect of masturbation of debauchery. So this is purely a psychotic mind's idea. Yes, so this is the psychotic mind. So आज हमने psychosis का बहुत अच्छा chapter आज देखा, किस तरह से psychotic will होता है, किस तरह से psychotic intellect होता है, किस तरह से psychotic morals होते हैं. Yes, सो कल हम देखेंगे साइकोटिक प्रेसिपिटिंग इन यंग चिल्ड्रेन बाय पेरेंट, किस तरह से बच्चों में साइकोसिस ग्रो होता है, साइकोटिक साइकोसिस स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेसिस होने के बाद, एक्टिव होने के बाद वो ग्रो होता है. यस, सो आज के चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या मिला, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नया आप लोगों ने देखा. यस, यस, बताइए.
सो टाइम हो गया इसलिए कोई नहीं बता रहा है, चलो हम क्लोज कर देते हैं। ओके बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन. थैंक आज इतना पूरा ये लग रहा, मतलब खूब छान धुन लागली थी एकदम. पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम खूब छान झालं लेक्चर सर. लेकिन कैसे आउट है ऑफ, मालूम क्या, मतलब कभी आउट ऑफ कभी एग्जैगरेशन होता है साइकोसिस. बहुत अच्छी तरह से बताया, क्वेश्चन कोई नहीं है, पूरा ध्यान में आया. इतना आपने भर भर के दिया है ना, अभी पूरा भर भरा है. मतलब खाने वाले को सही, मतलब प्यास लगी है और आपने वो पूरी प्यास भर दी, ऐसा हुआ है थैंक टुडे यू टुडे थैंक यू लेक्चर सर. थैंक यू। लेकिन इतना साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं तो नहीं यस अकेला ही सब चले हाँ सर, गए। सर ये तीन लेक्चर में ऐसा ही हुआ सर, ये नहीं तीन लेक्चर में ऐसा ही हुआ. मतलब बहुत बढ़िया सर चल रहे हैं, आज बहुत पूरा बढ़िया. एग्जाम्पल के साथ आप बताया ना सर, इसलिए पूरा समझ में आता. सर विथ एग्जाम्पल बोला इसलिए बहुत अच्छा समझ में आया सर. नाइस लेक्चर. थैंक यू थैंक यस सर, यू, बहुत बढ़िया वेरी सर, नाइस बहुत लेक्चर बढ़िया सर सर। लेक्चर था आज का. और सर लेक्चर में क्या थैंक हुआ, मतलब एग्जाम्पल भी ऐसे दिए ना आपने, पूरा मतलब वो पूरा साइकोसिस प्रोसेस, सोरा भी प्रोसेस में सही वो पकड़ के, मतलब पिछला पकड़ के आगे चल रहे हैं आप, तो इतना सही जा रहा था. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, वेरी नाइस लेक्चर थैंक यू थैंक यू सर. सर। आप सर लोग, अभी हाँ का लेक्चर जो आ रहा है, जो आप दे रहे हैं, ये पोस्ट करने लायक है. मतलब एक जैसे प्रोफेसर कोई पढ़ाता है, अभी आप लेक्चरर प्रोफेसर हो गए. इसके पहले नहीं जो था वो बिगिनर थे ना, तो आप भी थोड़ा सा हेसिटेट करना, उस तरह से बात करना, वो चीजें नहीं आती थी. अभी आपके अंदर जो अंदर से है व्हील, जो आपका अंदर है नॉलेज, वो आ रहा है. अब उसके पहले आप जो बुक पढ़ते थे वही आता था, लेकिन अभी अंदर से जो आप जानते हैं वो बोल रहे हैं. इसमें लग रहा है नहीं, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोग शांत हो जा रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं. 100% दिमाग वही है लोगों अच्छा का. चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोगों को सीखने को मिल रहा, ये सबसे अच्छी बात है। यस सर, हाँ हेलो सर. सर, सर आप बोल रहे थे ना कि रिंग वार्म का केस मैं देखता नहीं, वो तो बहुत आसान है. तो हम लोग क्या सर, बिगिनर है तो हम लोग सफर करते हैं, स्किन वाले तो बहुत आते जाते हैं. कुछ ऐसा टिप्स है क्या सर कि लोग बड़ा, मतलब आसान है यार छोड़ो क्या देखेंगे, या ऐसे ही मेरे असिस्टेंट है जो वही लोग ठीक कर दे रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या सर कहीं? कैसा है, साइकोटिक फंगल इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन, दैट इज द साइकोसिस। जी सर. और ये साइकोसिस जल्दी नहीं जाएगा, बहुत परेशान करेगा आप लोग, है ना, अच्छा, पेशेंट को भी परेशान करेगा, आपको भी परेशान है, निकल जाएगा वापस, कहीं ना कहीं से निकल आएगा, वापस निकल आएगा, क्योंकि हमें ट्रीट करना है उसका माइंड, कि ये साइकोसिस उसके माइंड में कहाँ से आया, कौन सी ऐसी फियर है, कौन से ऐसे उसके माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है कि खुद का नहीं दूसरों का चाहिए, है ना, तो उसी तरह से ऐसा क्या हुआ उसके अटैचमेंट में, इंटेग्रिटी में, जो उसे बहुत कुछ चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी फियर है उसके माइंड में, वो सब रूब्रिक्स लेके आपको वो फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना है। मोस्ट ऑफ द ये क्या होता है कि जैसे ही बच्चे घर से बाहर जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में 11th 12th के बच्चों में मोस्टली साइकोटिक ये फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो बहुत से पेरेंट्स या फिर बच्चे यही बोलते हैं कि वो नहाता नहीं एक एक दो दो दिन, या फिर गीले ही कपड़े पहनता है, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, इस तरह से कुछ ये देते हैं रीजंस जिसकी वजह से इसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर किसी के अंडरगारमेंट पहनने में आ गई उसकी वजह से हो गया। लेकिन आप में देखो कि उस लेवल पे उस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कौन सी फियर है ना। बहुत से बच्चे मोस्ट ऑफ ये फंगल इन्फेक्शन ग्रॉइंस में स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो एज होता है 16 to 20 years का, इस एज में मोस्ट ऑफ द बच्चे अट्रैक्ट होते हैं गर्ल्स की तरफ, है ना, इनके गर्ल्स फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और मोस्टली इन एज में इन बच्चों में कॉम्पिटिशन चलती है,
प्रो कंपटीशन होती है कि यार देख तेरे गर्लफ्रेंड के तरफ वो देख लड़का देख रहा था है ना, तेरी गर्लफ्रेंड आज उससे बात कर रही थी, तेरे गर्लफ्रेंड के पास तो बहुत सारे लड़कों के नंबर्स है, तो इसके मन में एक इनसिक्योरिटी तैयार हो जाती है, एक फियर तैयार हो जाती है कि यार ये कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं देगी, इसका कोई चक्कर और तो नहीं है, कोई और लड़के के साथ तो, और मुझे तो फंसा नहीं रही। तब जाके ये बच्चों में ग्रॉइंस में फंगल इंफेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये एक रीजन होता है। फिर कोई बच्चे होते हैं जो रूम शेयरिंग करते हैं, तो रूम शेयरिंग में जैसे कि जो दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, तो वो उनके माइंड में उनके अंदर ये चलते रहता है कि ये मैं जाने के बाद मेरी चीजें तो यूज नहीं करता, ये कहीं मेरे तो चीजें लेता नहीं, या फिर मेरे सामान को तो हाथ नहीं लगाता, लाइक दिस। तो ये एक इनसिक्योरिटी होती है, तो उनको हाथ पे, पैर पे, चेहरे पे, बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको वो रीजन देखना है, निकालना है और प्रिस्क्राइब करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चाहिए वो मिल गया। हेलो, बड़ा सर बोले टफ काम है क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिटिव लाइफ है तो बार बार फियर आता ही रहेगा, और गर्लफ्रेंड अगर है या लाइक करता है तो इधर उधर देखेगी, कोई ना कोई लड़के बात ही करेंगे तो उसके अंदर दहशत बनाई रहे तो उसका डर। मोस्टली फंगल इन्फेक्शन ग्राइंस पे स्टार्ट होता है, तो ग्राइंस के लिए ये आइडिया माइंड में फिट कर लो कि इस तरह से आपको पूछना है, राइट। अरे अच्छा यही पूछ रहा है सर। फिर ओके ये तो सर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर। तो चलो सर इसका उसका क्या लगा हुआ सर? तो फिर रूब्रिक निकालो ना, आप रूब्रिक निकालो, इस तरह से कुछ मिलता है क्या, हिस्ट्री देखो। अच्छा तो वो फियर या डेल्यूजन डेल्यूजन डिस्यूट बीइंग डिल्यूजन या नहीं, बिट्रेड डिल्यूजन बीइंग। कहाँ ले रहे, पहले साइकोसिस और साइकोसिस में आप डिल्यूजन इतने बड़े बड़े रूब्रिक मत लो। तो फिर कैसे लेंगे सर यदि वो है कुछ फियर ऐसा फियर 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 है, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, फियर बिट्रेड फियर। ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ लूजिंग अच्छा समथिंग। फियर ऑफ लूजिंग और पकड़े जाएंगे और एक है उसमें शायद कुछ ऐसा रूब्रिक, फियर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, उनको उन उस लाइफ में इंपॉर्टेंट एक ही बात होती है ना, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा अच्छा बॉयफ्रेंड, हाँ लाइक दिस। तो इस तरह से, और कुछ कुछ बच्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है ना, तो फियर ऑफ पावर्टी फियर ऑफ आल्सो, लूजिंग प्रॉपर्टी यस। तो इस तरह से बहुत सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन उस वे से आपको सोचना पड़ेगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। हम लोग सर कभी जिंदगी में सोचते हैं तो आप बताए हैं जो थोड़ा समझ में आ रहा है ना। ये पावर डिसअपॉइंटमेंट ग्रोहन वाले तो 80% है सर, मेल में तो ग्रोहन ही बताते हैं ज्यादातर। यस तो एक बार एक ऐसी हिस्ट्री लेके देखो, देखो आपको मिलता है कि नहीं सही रीजन। अगर एजेड पर्सन होगा तो नाराज हो जाएगा सर, बोलेगा यार कब से है मेरे को, 10 साल 15 साल से। तू 10 साल के पहले का पूछो ना, तब क्या हुआ था बोलना, है ना, पड़ोसन आ गई थी क्या। अच्छा लेकिन सर इससे तो पेशेंट भी आना बंद हो जाएगा, सोचेंगे मेरा कुंडली सब निकाल के रहा है। बढ़ जाएंगे पेशेंट, देखना आपने अच्छा ऐसा पूछेंगे तो पेशेंट बढ़ जाएंगे, अरे यार ये तो बहुत ही डॉक्टर मस्त मजेदार है। जब दंगल पे काम किया तो पूरा फेमस होंगे डॉक्टर। कितने पेशेंट होते हैं साइकोसिस चलो कल मिलते हैं फिर, ओके। मंडे को सर, मंडे को। ओ मंडे को, मंडे को, यस सर, यस सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय, सर, ओके, थैंक थैंक यू यू सर, वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय।